महापुरुषों का सम्मान कैसे होता है पूछिए। थोड़ा महापुरुष का सम्मान किया है क्या? ये करना ही नहीं चाहती है, वो करती भी नहीं है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जो राम अयोध्या में है, गांधी जी उस राम के बारे में थोड़े कह रहे थे। कांग्रेस तो उस राम को भी भुला देना चाहती थी, कांग्रेस को श्री कृष्ण के बारे में भी इसी प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस ने की थी। राहुल गांधी के परदादा एक बार कहे थे जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे, तो उनके नाना ने कहा था कि वहां मत जाइए क्योंकि इससे हिंदुओं का सम्मान बढ़ जाएगा। मित्रों, जिसको हिंदुओं के सम्मान बढ़ने पर संकोच होता हो तो क्या उसको देश का नेतृत्व करना चाहिए क्या? जनता का हित नहीं कर सकता क्या उसे देश का नेतृत्व देना चाहिए क्या? और जो व्यक्ति देश की कीमत पर राजनीति करता हो, देश की सुरक्षा की कीमत पर राजनीति करता हो, क्या उसको भारत की जनता को समर्थन देना चाहिए क्या? और यही बात मध्य प्रदेश पर भी लागू होती है। जो लोग मध्य प्रदेश में नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, हमारे जवानों की शहादत को सम्मान देने की बजाय नक्सलवादियों को क्रांतिकारी कहते हो, किसानों की आत्महत्या पर उन किसान परिवारों के लिए सहायता कैपी डालने का कार्य करते रहे हो, मित्रों, उस कांग्रेस को वोट देने की बात तो बहुत दूर। देश के विरुद्ध साजिश करने वाले पापियों का शक्ल देखना भी महापाप का कारण बनता है, और इसलिए किसी को भी इस पाप में भागीदार नहीं बनना चाहिए।